नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी एयरबॉर्न सेना ने 9 रूसी टैंकों को नष्ट कर दिया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में एरियल व्यू में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के हमले से रूसी सेना का टैंक धुआं बनकर हवा में उड़ता प्रतीत हो रहा है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नष्ट हुए दुश्मन के टैंकों की संख्या जल्द ही 2000 तक पहुंच जाएगी। चीनी वायुसेना ने एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में तनाव को बढ़ाने वाली हरकत की है और चीनी लड़ाकू विमान ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख से विवाद वाले क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि चीन का फाइटर जेट भारतीय फौज के पोजीशंस के करीब आ गया था। चीन की इस हरकत से सीमा पर एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत ही इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 75 रक्षा उत्पादों को पेश करेंगे। भारत की तरफ से मनाए जा रहे आजादी के 75 वर्ष के जश्न के तहत इन 75 उत्पादों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी में पेश किया जाएगा। असम में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भारी बाढ़ से असम में 30,000 से 40,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने शुक्रवार शाम यहां एक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात से अवगत कराया और केंद्रीय मदद मांगी है। शनिवार को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से एडवांस पैसा जारी करने का अनुरोध किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। मध्य भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून की स्थिति अगले 5 दिनों के दौरान जारी रहने की संभावना है। मध्य भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून की स्थिति अगले 5 दिनों के दौरान जारी रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 से 10 जुलाई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की गतिविधि में तेजी आएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से आईपीएल टीम के 2021 और 22 अभियानों से संबंधित सभी पोस्ट को हटा दिए हैं। आईपीएल के 15वें सीजन से ठीक 2 दिन पहले एमएस धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद बाएं हाथ के ऑलराउंडर को टीम का कप्तान बनाया गया था। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने ट्विटर को बड़ा झटका दिया है। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी अब ट्विटर को नहीं खरीदेगी। एलन मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए की गई अपनी $44 बिलियन की डील को खत्म कर रहे हैं क्योंकि कंपनी नकली खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मुहैया कराने में विफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है और इसमें हजारों किसान और सभी अन्य हितधारक भाग लेंगे जिन्हें सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। 12 जुलाई को पीएम मोदी के आगमन को लेकर दिल्ली से एसपीजी की टीम देवघर पहुंच चुकी है जिसमें एसपीजी के आईजी, 3 एआईजी रैंक के अधिकारी और एक अन्य अफसर शामिल है। एसपीजी के शेष अधिकारी और जवान भी आज शाम तक यहां पहुंच जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग चुका है। नया मसला यह है कि इस प्रतिबंध को संशोधित कर दिया गया है। इसमें फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाकर ब्रांडेड कंपनियों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अगर मैन्युफैक्चरर्स गैर ब्रांडेड कंपनियों को ऐसा उत्पाद देते हैं तो दुरुपयोग की स्थिति में जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर्स की होगी। बिहार थर्मा फार्मर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस नए फरमान से और भ्रम फैल गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा जताया है कि हरित ईंधन से 5 साल बाद देश में वाहनों में पेट्रोल के इस्तेमाल की जरूरत खत्म हो जाएगी। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में बयान दिया है जहां उन्हें डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना को तैयार करने पर काम किया जा रहा है। देश में कोरोना के नए मामले कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 18,840 केस आए हैं। लगातार बढ़ते संक्रमितों की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,25,000 के आंकड़ों को पार कर गई है। इस बीच देश के 10 राज्यों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरियंट BA.2.75 के मामले भी दर्ज किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये वेरियंट ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरियंट की तुलना में तेजी से फैल सकता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर है। दिग्गज टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ लॉन्च कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चालू वित्त वर्ष के अंत तक आईपीओ की लॉन्चिंग हो सकती है। गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजी ऑटोमेकर कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी फर्म है। COVID-19 के बूस्टर डोज को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिला कलेक्टरों और CMHO को निर्देश दिया है कि अब कोरोना वैक्सीन के 6 महीने पूरे होने पर बूस्टर डोज लगवाया जा सकेगा। इससे पहले दूसरे डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लगता था। इस बीच वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं वो भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की कहानी कह रहे हैं। 1 साल के दौरान भारत ने रक्षा निर्यात क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है।
कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कांस्टेबल परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस परीक्षा 2022 में कांस्टेबल चालक पुरुष के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। गौतम अडानी की कंपनी के लिए ये साल अब तक बेहद खास रहा है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड सातों कंपनियों का इस साल 2022 में अब तक बेहतर प्रदर्शन रहा है। इन कंपनियों में पैसे लगाने वालों को जबरदस्त फायदा हुआ है। वहीं इस साल दुनिया भर के अरबपतियों में गौतम अडानी की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अंतिम संस्कार रविवार को चुनाव संपन्न होने के बाद 12 जुलाई को होगा। इस मौके पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के जुटने की उम्मीद है। फिलहाल आबे का पार्थिव शरीर टोक्यो ले जाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को राज्यों से मच्छरों के खिलाफ जन अभियान शुरू करने का आह्वान किया। इसके तहत नागरिक और समुदाय को जोड़कर आसपास के इलाकों में मच्छरों का प्रजनन रोकने में मदद मिलने की बात कही है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता लगभग 4 महीने से नहीं हुई है। हालांकि दोनों देश इस बात पर सहमत है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले जगहों पर बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। टाटा मोटर्स ने अपनी कार की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। कंपनी ने करीब 0.55% सभी प्रोडक्ट पर कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बाद लिया है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस LKP रिसर्च ने देश की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टर्बो पर बुलिश है और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आगे कंपनी को पावर ट्रांसपोर्टेशन डिफेंस जैसे सेक्टरों में सरकारी और निजी दोनों सेगमेंट में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते नजर आ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक स्तर पर अनेक परिवर्तन सामने आए हैं। इस दौरान कई सम्मेलन भी हुए। विश्व के प्रमुख देशों के दो बड़े समूह को वार्षिक बैठक का भी आयोजन किया गया। बदली वैश्विक परिस्थितियों के बीच तमाम देश की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी कि भारत क्या निर्णय लेता है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि बाहर और भीतर क्या कुछ बदला जिसने भारत की साख को विश्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के प्रस्ताव पर गठित मंत्री समूह की 12 जुलाई की बैठक में अंतिम फैसला होगा। इस मंत्री समूह के सदस्य और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में ऑटो चालकों के बीच लोकप्रिय दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की एक स्कीम का खुद ऑटो वालों ने ही पलीता लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से 4000 से अधिक ई ऑटो के खरीद की योजना तैयार की थी, लेकिन सरकार की मंशा के विपरीत राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी से अब तक केवल 279 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही पंजीकरण हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना में महिलाओं को भी भर्ती किया जाएगा। इस साल भारतीय नौसेना में 3000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 20% यानी कि करीब 600 महिला अग्निवीर होंगी। अग्निपथ योजना के तहत सेना में जुड़ने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत में आने की अपनी योजना को फिलहाल दरकिनार कर दिया है। टेस्ला दुनिया की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है और इसके सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। एलन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को भारत में लेकर बेचने की अनुमति दे सकते हैं और विदेश से मंगाई जाने वाली कारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए, ऐसी मांग भी कर रहे थे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोग ध्यान दें कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग में कई पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पता है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2022 है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के निधन की खबर सामने आई है। हालांकि गुड़गांव के मेदांत अस्पताल में इसकी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि खबर लिखे जाने तक नहीं की थी। पिछले सप्ताह ही साधना गुप्ता को शुगर सहित कई अन्य बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव गुड़गांव रवाना हो गए हैं। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच जनता का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। देश भर में तेल और बाकी जरूरत के सामान की कमी के बीच लोग एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने शनिवार को राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की, उनके आवास का घेराव किया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है उमाशंकर, विशाल कुमार, रूपेश कुमार, अमरदीप कुमार, गौतम कुमार, दिलीप कुमार यादव, अमन राज, सोनम देवी, जितेंद्र पंडित। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।